ने जिस तरह से लोकसभा में मुझे आशीर्वाद दिया, 70,000 वोट मुझे दिए थे, 70,000 वोट मुझे दिए थे, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया था, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया था। प्रीतम भाई ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत विपरीत परिस्थितियों में एक एक कार्यकर्ता के संगा, इन विपरीत परिस्थितियों में भी आपने जिस तरह से लोकसभा में मुझे आशीर्वाद दिया, 70,000 वोट मुझे दिए थे, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया था, और प्रीतम भाई को भी आपने भरपूर आशीर्वाद दिया था, बस थोड़े से अंतर से हम रह गए थे। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस बार एक ऐसा रिजल्ट लाके दो कि मध्य प्रदेश में पिछोर विधानसभा सबसे ज्यादा वोटों से जीते, एक ऐसे बहुमत के साथ भाई प्रीतम को हम जिताएंगे। और मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से और माननीय सिंधिया जी को आश्वस्त करता हूं कि हम दिन रात मेहनत करेंगे। प्रीतम भाई ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत विपरीत परिस्थितियों में एक एक कार्यकर्ता के संगा, इन विपरीत परिस्थितियों में भी आपने जिस तरह से लोकसभा में मुझे आशीर्वाद दिया, 70,000 वोट मुझे दिए थे, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया था, और प्रीतम भाई को भी आपने भरपूर आशीर्वाद दिया था, बस थोड़े से अंतर से हम रह गए थे। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस बार एक ऐसा रिजल्ट लाके दो कि मध्य प्रदेश में पिछोर विधानसभा सबसे ज्यादा वोटों से जीते, एक ऐसे बहुमत के साथ भाई प्रीतम को हम जिताएंगे। और मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से और माननीय सिंधिया जी को आश्वस्त करता हूं कि हम दिन रात मेहनत करेंगे। प्रीतम भाई ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत विपरीत परिस्थितियों में एक एक कार्यकर्ता के संगा, इन विपरीत परिस्थितियों में भी आपने जिस तरह से लोकसभा में मुझे आशीर्वाद दिया, 70,000 वोट मुझे दिए थे, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया था, और प्रीतम भाई को भी आपने भरपूर आशीर्वाद दिया था, बस थोड़े से अंतर से हम रह गए थे। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस बार एक ऐसा रिजल्ट लाके दो कि मध्य प्रदेश में पिछोर विधानसभा सबसे ज्यादा वोटों से जीते, एक ऐसे बहुमत के साथ भाई प्रीतम को हम जिताएंगे। और मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से और माननीय सिंधिया जी को आश्वस्त करता हूं कि हम दिन रात मेहनत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।